everyone, my name is Paridhi Jain and in this video I am going to share with you my experience of PGDBFPO course. अभी recently IDBI bank ने एक notification निकाला है जिसमें recruitment होगा through PGDBFPO course. तो काफ़ी सारे students के mind में ये queries हैं कि कैसा course होता है, कितना duration होता है, वहाँ campus कैसा होता है, कैसा hostel होता है और क्या इस exam के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे PGDBF कोर्स तो उसके बाद आपकी जॉब बैंक में कंफर्म होगी या नहीं. तो ये ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप सभी के माइंड में होंगे तो इसका वन बाय वन में सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं उसका आंसर दूंगी. सो हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है. ये कोर्स 9 मंथ्स का है क्लासरूम प्रोग्राम एंड देन 3 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो आपका ब्रांच में होगा. जो 9 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो क्लासरूम में होगा. तो इसमें इस नोटिफिकेशन में 2 कैंपस है, एक मणिपाल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड देन निटे ग्रेटर नोएडा. तो मैंने जो ये कोर्स है ये मणिपाल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से किया है और वहाँ का जो कैंपस था, वहाँ का जो हॉस्टल लाइफ थी, जो मेस था, जैसा फूड प्रोवाइड करते थे, जैसी फैकल्टीज थी, वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर जाकर हमें इतना अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा. तो इसका जो कोर्स का 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है. आप उस पीरियड में काफ़ी एन्जॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी. तो ये जो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है इसमें 3 3 मंथ्स के ट्राइमेस्टर होते हैं जिसमें एग्ज़ाम्स होती है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस की. इसका फ़ीस है 3.5 लाख एक्सक्लूडिंग GST. 3.5 लाख प्लस GST आपको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं और आप अगर चाहें तो आप लोन भी ले सकते हैं बैंक से. इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं. उसके बाद आपको स्टाइफंड मिलता है एवरी मंथ. 9 मंथ्स तक आपको 2500 स्टाइफंड मिलेगा और जो 3 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा उसमें 10,000 पर मंथ मिलेगा. काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि जो 3.5 लाख से वो किस चीज़ की फ़ीस होती है. तो ये कोर्स फीस, लॉजिंग, बोर्डिंग, हॉस्टल फीस, दैट इज मैस का फीस, ये सारा जो सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें. अगर आप बस से जा रहे हैं यहाँ आपके हॉस्टल से, अगर आप कॉलेज बस से जाते हैं तो जो बस की फ़ीस होती है वो भी इंक्लूड होती है. तो जितनी भी आपकी वहाँ पर जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है वो 3.5 लाख में इंक्लूड होता है. लेकिन आपके जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो आप वहाँ पर करते हैं, जैसे एक JAIIB करके एग्ज़ाम होता है जो आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक हम देते हैं, लेकिन जब हम बैंक ज्वाइन नहीं करते तो हम नॉन बैंकर होते हैं. तो उसके लिए JAIIB का इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होता है DBF, जो वहाँ पर मणिपाल में रहते हुए हम दे सकते हैं. मैंने भी वहीं पर क्लियर किया था. तो जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो मुझे डायरेक्टली उसका बेनिफिट मिला था. और भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, हर बैंक अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है. तो जैसे मैंने NISM म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन भी मणिपाल में ही किया था. तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जिसकी फ़ीस आपको खुद से बेयर करनी होती है. द नेक्स्ट थिंग इज कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ PGDBF एंड वॉट आर द सब्जेक्ट्स. तो हर ट्राइमेस्टर में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते थे और जिसमें एक 4 सब्जेक्ट्स के साथ एक CBS भी होता था जो प्रैक्टिकल होता था. तो कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे रिटेल बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, रूरल बैंकिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन. तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको हर ट्राइमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम आपको पास करनी है. अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो वो पेपर आपको फिर से नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में देना होगा. तो अगर आप सारी एग्ज़ाम्स पास करेंगे तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स आप इंटर्नशिप करेंगे ब्रांचेस में और वहाँ पर भी आपको सभी स्टाफ के साथ सीखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना रहेगा और उस प्रोजेक्ट के मार्क्स और ये जितने भी ट्राइमेस्टर के मार्क्स हैं ये सारे मार्क्स को इंक्लूड करके फिर आपकी लिस्ट बनती है. और अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है तो आपको डायरेक्टली निकाला नहीं जाता है, वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है कि आप फिर से वो पेपर दें और आप क्लियर कर लें. और जैसे अगर आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गए तो आपकी जो ज्वाइनिंग के बैंक में वो कन्फर्म हो जाती है. और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है वहाँ पर कुछ भी. आप जैसे जैसे वहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस थी, जितनी भी फैकल्टीज़ हमें पढ़ाती थी वो रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स या चीफ मैनेजर्स, यहाँ तक कि रिटायर्ड जनरल मैनेजर ने भी वहाँ पर हमें पढ़ाया है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी होती है. अगर आप अच्छे से वहाँ पर मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी तो आपको वहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगी पढ़ने में.
और आप इजीली एग्जाम क्रैक कर देंगे और फिर आपकी जो जॉइनिंग है वो बैंक पे कंफर्म हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्लासरूम सेशन वहाँ पर कितने आवर्स के होते थे और हमारा रूटीन क्या होता था। तो मॉर्निंग में 8 o'clock वहाँ पर ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता था हमारे मेस में और 9 o'clock पर हम कॉलेज पहुँच जाते थे। कॉलेज हम बस से जाते थे, देन 9 o'clock पर क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन उसके पहले वहाँ पर प्रेयर होती थी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे जो स्टूडेंट्स ने काफ़ी टाइम से कॉलेज लाइफ नहीं देखी, एंजॉय नहीं की, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले सुबह जाते से वहाँ पर प्रेयर होती थी, उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी एंड देन डेढ़ घंटे की लगभग क्लास होती थी एंड देन 1 tea break होता था वहाँ पे 15 minutes का अराउंड 10:30। देन उसके बाद फिर से क्लास होती थी एंड देन अराउंड 1:30 लंच ब्रेक होता था 45 minutes का। वहाँ पर जो कॉलेज की मैस है वो अलग होती थी और जो हमारा हॉस्टल था उसकी मैस अलग होती थी। तो जो लंच था, टी ब्रेक था और जो स्नैक्स ब्रेक होता था आफ्टर 5:45 पे हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। देन 5:45 to 6 15 minutes का स्नैक्स का ब्रेक होता था, वहीं पर हमें कॉलेज में स्नैक्स प्रोवाइड करते थे। देन 6 o'clock पे हम वहाँ से बस से वापस निकलते थे, अराउंड 6:30 हम अपने हॉस्टल में वापस आ जाते थे। देन आप जो भी चाहें वहाँ पर सब लोग वॉक करते थे इवनिंग में, बहुत ही अच्छा कैंपस था। देन अराउंड 8 o'clock डिनर होता था एंड यही हमारा रूटीन होता था। 5 days का क्लास होता था, सैटरडे संडे वहाँ पर छुट्टी होती थी। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाने को मिलते हैं वहाँ पर और हर स्टेट से इंडिया की वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और आफ्टर एवरी ट्राइमेस्टर वहाँ पर हम ट्रिप्स भी करते थे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे वहाँ पर सेक्शंस डिवाइड थे, ABCDE, ऐसे 5 sections थे और सेक्शन भी शफल होते थे आफ्टर एवरी ट्राइमेस्टर। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता था और हम काफ़ी घूमने भी गए वहाँ पर। जैसे बेंगलुरु में नंदी हिल्स था, हम वहाँ पर गए थे। देन ऊटी, चिकमंगलूर, पौंडीचेरी, कई सारे स्टूडेंट तिरुपति बालाजी भी गए थे। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता था और आपको इतने अच्छे कंपनी मिलती थी, इतना अच्छा ग्रुप मिलता था कि आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो वहाँ पर हमारा जो पूरा 9 months का ड्यूरेशन था उसमें एक बार करिकुलर एक्टिविटी हमारा पूरा इवेंट हुआ था, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो वो बहुत ही कल्चरल फेस्ट हुआ था मणिपाल का, वो बहुत अच्छा था। और बीच बीच में भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती थी, बहुत सारी क्विज कॉम्पिटिशन होती थी, इंटर बैंक कॉम्पिटिशन होती थी, क्योंकि वो कैंपस में बहुत सारे बैंक्स की क्लासेस साथ में लगती थी, तो काफ़ी सारे इवेंट्स वहाँ पर कंडक्ट होते रहते थे। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि हॉस्टल की और मेस की फ़ीस इंक्लूड है या नहीं, तो वो 3.5 lakhs में इंक्लूड है, तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और जो वहाँ खाना मिलता था वो भी काफ़ी अच्छा होता था, खाने लायक खाना मिलता था और ब्रेकफास्ट तो काफ़ी अच्छा मिलता था। मैं बैंगलोर में थी तो साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा मिलता था, लेकिन वो काफ़ी टेस्टी होता था। तो खाने की वहाँ पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और अब हम बात करते हैं फूड की क्वालिटी की। तो फूड की क्वालिटी को दिखाने के लिए भी हमें वहाँ पर जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है उसकी भी विजिट करवाई थी उन्होंने, ताकि हम अपने खुद से देख सके कि खाना कैसे बन रहा है। और वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों फूड अवेलेबल होता था, तो वो भी बिल्कुल सेपरेट होता था, वेज का किचन अलग था, नॉन वेज का अलग था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें पहले ही दिखाई थी, उन्होंने किचन की विजिट भी हमें करवाई थी, ताकि हमें पता हो कि हम जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर और क्या क्या ऐसी चीज़ें जिससे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप गलत नहीं कर रहे हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके। तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप वहाँ पर जितनी भी चीज़ें सीखेंगे वो आप बैंक ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर आप सीखेंगे तो आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके लिए सब कुछ एकदम से न्यू है। क्योंकि हम बैंक में जो सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं CBS, वो सॉफ्टवेयर में वहाँ पर ऑलरेडी हमें प्रैक्टिकल सेशंस दिए जाते थे और उसका एक एग्ज़ाम भी होता था, तो हमें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पर सिखा दी जाती है। तो जब हम ब्रांच ज्वाइन करते हैं तो हमें वहाँ बिल्कुल एकदम सब कुछ न्यू नहीं लगता है। और स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के अलावा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या और किसी अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिसको कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है, तो वहाँ पर जो 9 months में वो पढ़ाई करेंगे वो सारी उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा उसको बैंक में।
अगर आपको बैंक में एडवांसेस में बिठा दिया या फिर क्रेडिट मैनेजमेंट में या फॉरेक्स डिपार्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि वहाँ पर आप ये सारे सब्जेक्ट्स एक बार ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। और इसका फ़ायदा जो प्रमोशनल एग्जाम्स होती है बैंक में उसमें भी मिलता है, क्योंकि जो 9 मंथ्स में पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाता है, याद हो जाता है, समझ भी आ जाता है, तो उसका बहुत ही फ़ायदा मिलता है आने वाली जितनी भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो या और भी कोई इंटरनल बैंकिंग की अगर एग्ज़ाम होती है, तो वो जो आपने 9 मंथ्स में पढ़ा है वो आपको काम आएगा, वो वेस्ट कभी नहीं होगा। और हमारे वहाँ पर ये जो PGDBF कोर्सेज को MBA में कन्वर्ट करने का भी एक प्रोग्राम मणिपाल इंस्टीट्यूट लाया था, जिसमें कुछ एक एडिशनल फीस के थ्रू आप 1 ईयर का कोर्स एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर जॉइनिंग बैंक। तो उससे जो स्टूडेंट्स को, अगर मान लीजिए कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए, तो आपके लिए भी एक फ़ायदा है कि आपने जो 1 ईयर का कोर्स किया है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, आप उसे 1 ईयर एक्सटेंड करके उसे MBA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जाकर पता चलेगी जब आप वहाँ ज्वाइन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ों से काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यही बताऊंगी कि मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करने का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरा डायरेक्ट बैंक में सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने मणिपाल PGDBF PO के थ्रू ज्वाइन किया है, क्योंकि जो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था, मैंने 9 मंथ्स में जो फ्रेंड्स बनाए हैं, वो फ्रेंड्स आज मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे मान लीजिए बैंक में काम करते वक्त कुछ इशू आ जाता है, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो आपके ऑल ओवर इंडिया इतने सारे फ्रेंड्स हैं कि आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच में कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपका कोई फ्रेंड होगा जो उस कोर्स में आपके साथ होगा, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही हेल्प करेगी आपको फ्यूचर में भी। सो आई होप कि आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच।